The length of a tangent drawn from an external point to a circle are equal. मतलब बस दो ही थ्योरम है यहाँ पे. सेकेंड थ्योरम हमारी कहती है अगर हम, ये हमारा सर्कल है, अगर हमने एक एक्सटर्नल पॉइंट लिया, एक्सटर्नल मतलब सर्कल के बाहर, और इससे हमने दो टेंजेंट्स बनाए, एक टेंजेंट हमारी ये रही और दूसरी टेंजेंट बेचारी हमारी ये रही, ठीक है. नाम दे देते हैं इनके पी क्यू आर और बीच का नाम हमारा ओ. भाई सड़े गले नाम सारे के सारे, पी क्यू आर ओ. हमें ये प्रूव करना है कि जो टेंजेंट्स हम बनाते हैं एक एक्सटर्नल पॉइंट से, ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल होती हैं. यानी टू प्रूफ में हमारा सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं. तो गिवन पी क्यू एंड पी आर आर टेंजेंट्स, ठीक है. और इसके बाद टू प्रूफ में हमारा आ जाएगा यहां पर कि हमें प्रूव क्या करना है. हमें प्रूफ करना है पी क्यू और पी आर इक्वल है, हमें ये प्रूफ करना है. चलिए टू प्रूव आएगा यहां पर, टू प्रूव. अब करते हैं इसका प्रूफ. प्रूफ मतलब सबूत क्या है, ठीक है. यहां पर हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन. तो इसको करने से पहले यहां पर एक और पोर्शन बना लेना जो है कंस्ट्रक्शन का. कंस्ट्रक्शन हमें ज्वाइन करना है यहां पर ओ क्यू को ओ आर और साथ में इन भाई साहब को भी पी ओ, ठीक है. लिख देना यहां पे ज्वाइन. इसको थोड़ा और नीचे कर लेते हैं, प्रूफ छोटा सा इसका. ज्वाइन क्यू ओ आर ओ एंड पी ओ, हमें इन तीनों को ज्वाइन करना है, ठीक है. कर दिया. इसके बाद प्रूफ के नाम पे अब हमें केवल दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं. ध्यान रखना, सबसे पहले हम बात करेंगे इन ट्रायंगल क्यू पी ओ एंड ट्रायंगल आर पी आर पी ओ. मतलब कौन सा, एक तो ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल. हमें बस इन दोनों छोटे छोटे ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है और उसके बाद सीबीसीटी से हम ये बोल देंगे कि भाई ये इसके इक्वल है. कॉन्ग्रुएंसी अगर किसी को नहीं याद तो ध्यान रखना कि अगर मैं इस पूरे ट्रायंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट कर दूं, इसका सिंपल भाषा में मतलब ये है कि ये दोनों शेप्स ना बिल्कुल ओवरलैप हो जाएंगे एक दूसरे के ऊपर. जैसे हमारे हाथ ओवरलैप हो जाते हैं ना, वैसे ये दोनों की दोनों शेप्स एक दूसरे के ऊपर पूरा ओवरलैप कर जाएंगी, ठीक है. ओवरलैप मतलब ढक देंगी एक दूसरे को. तो जब ये एक दूसरे को ढक देंगी तो ध्यान एक बात बताओ, क्या ये वाली साइड जो है वो इसके ऊपर नहीं आएगी. जब मैं इसको इस तरह से फोल्ड करूंगा, सीबीसीडी से प्रूव हो जाएगा कि दोनों टेंजेंट्स हमारे इक्वल हैं. तो भाई इन दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले हम बात करेंगे ओ क्यू जो है हमारा वो ओ आर के इक्वल होगा क्योंकि रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, दोनों सेम सर्कल के रेडियस हैं तो इक्वल होंगे. रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है. और इसके बाद दूसरा क्या, देखो ये तो हमने कर दिया दोनों इक्वल होंगे. दूसरा हमारा पी ओ जो है वो पी ओ बेचारा ऊपर वाले ट्रायंगल में भी पी ओ आ रहा है और नीचे वाले ट्रायंगल में भी हमारा पी ओ आ रहा है. तो पी ओ इक्वल टू पी ओ जो आ जाएगा हमारा कॉमन. एंड इसके बाद एंगल पी क्यू ओ इक्वल टू एंगल पी आर ओ. ये क्यों, ये दोनों एंगल्स हमारे 90 डिग्री आएंगे, इक्वल्स टू 90 डिग्री. एंगल बिटवीन, अभी हमने पढ़ा पिछली थ्योरम में, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, रेडियस एंड अ टेंजेंट, ठीक है, वो हमेशा 90 डिग्री होता है. तो हम लिख सकते हैं बाय कौन सी प्रॉपर्टी, बाय राइट हैंड साइड. एक तो राइट एंगल हो गया हमारा, सॉरी राइट एंगल हो गया, एक राइट एंगल के सामने वाली हमने हाइपोटेन्यूस की बात करी, ठीक है. एक राइट एंगल हाइपोटेन्यूस और साइड. आरएचएस से हम कह सकते हैं बाय आरएचएस क्राइटेरिया हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल हमारा ओ क्यू पी ओ है, जो क्यू पी ओ और ट्रायंगल आर पी ओ कॉन्ग्रुएंट है. अब जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो हम लिख देंगे, लिख देंगे यहाँ पे पी क्यू इक्वल्स टू पी आर बाय सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है. ये हमारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के. तो दोनों हमारी टेंजेंट्स यहाँ से इक्वल प्रूफ हो गई. तो ये था हमारा छोटा सा 10.2 का प्रूफ. अब बढ़ते हैं आगे हम